मनी इज अ ह्यूज मोटिवेशन टू ज्वाइन स्टार्टअप. आपने अगर सिर्फ टॉपिक्स पढ़े हैं ना, देन यू वोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज टॉपिक्स इनटू कोडिंग प्रॉब्लम्स. दे वांट यू टू कन्वे योर थॉट्स. वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि यार ये इस बंदे ने इस क्वेश्चन को कहाँ से सोचना स्टार्ट करा था. Hello everyone and welcome back to another video by Coding Ninjas. This is Vikrant and today we are going to discuss the roadmap to get placed in amazing startups. So let's begin. Before going into the specifics of the roadmap, let's first discuss why should we even bother to join startups. अब देखो कोई कंपनी आपकी नई खुली है, उनका you know employee count कम है, so they require persons with great ability कि उनको बहुत कुछ आता हो. उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स भी हो, उनकी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, वो सारी चीज़ें कर लेते हो. उनको थोड़े मल्टी फैसेटेड पर्सन चाहिए होते हैं, राइट. अब जब उनको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं तो दे ऑल्सो गिव गुड पैकेजेस टू, राइट. मनी इज़ अ ह्यूज मोटिवेशन टू ज्वाइन स्टार्टअप. आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, दिस इज मेजर पॉइंट नंबर वन. द सेकेंड थिंग इज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर करियर ग्रोथ, क्योंकि जब आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में सीखने को मिलती हैं. अब बहुत सारे काम जल्दी जल्दी सीख जाते हो. ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हेक्टिक इन द इनिशियल पीरियड्स और द इनिशियल ईयर्स, बट लेटर ऑन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. आपका करियर ग्रोथ बहुत एकदम एक्सपोनेंशियली राइज करेगा. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ लेट्स कम इन टू द स्पेसिफिक्स. सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अराउंड थ्री मेजर थिंग्स, विच इज योर कोडिंग स्किल्स. The second one is your one extra skill that you need to possess to get into amazing startups. And the third one is your communication. In teen topics ke around hi hume apni strategy prepare karni hai jisse hamara placement ho sake. So now let's talk about the first thing, which is your coding skills, right? Ab aapko coding skills mein acha hone ke liye aapko ek basic sa path follow karna hai. विच इज़ आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है सबसे पहले कि आपको किस लैंग्वेज में अपनी कोडिंग करनी है, राइट. अब आपने लैंग्वेज चूज कर ली, उसके बेसिक्स आपने पढ़े, उसके बाद आपको उस लैंग्वेज में DSA कवर करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ मस्ट कि आपको DSA एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि स्टार्टअप्स में आपका मीडियम नहीं, थोड़ा और उससे बेटर लेवल का ही पूछते हैं, आपकी कोडिंग राउंड्स में भी और स्पेशली आपके इंटरव्यू में. इसलिए आपको अच्छे से DSA प्रिपेयर करना है, DSA के सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने. उसके लिए आप चाहे कोई कोर्स ले सकते हो, अगर आपको अपने आप से पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं आपके पास, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. अब जब आपने DSA आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी बहुत करनी बहुत ज़रूरी है. आपने अगर सिर्फ टॉपिक्स पढ़े हैं ना, देन यू वोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज टॉपिक्स इन टू कोडिंग प्रॉब्लम्स. सपोज आपने लिंक लिस्ट पढ़ा, आपने स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ा, बट अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो ठीक से कोडिंग प्रॉब्लम्स में, आपको यही नहीं पता चला है कि इस प्रॉब्लम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे, देन इट वोंट डू यू एनी गुड. इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने DSA पढ़ा, उसके साथ साथ ही आप पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करते चले गए. एंड नाउ देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आई वोंट गो डीप इनटू दैट, यू कैन प्रैक्टिस ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने टॉपिक्स पढ़ा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, राइट. अब जब आपने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर ली है, देन यू नीड टू डू कम्पेटिटिव प्रोग्रामिंग ऑल्सो. आपको अपनी कोडिंग स्किल्स काफ़ी बेटर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कोडिंग राउंड्स में भी और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे लेवल तक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको बेटर करनी है. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन टेक अप अ कोर्स और यू कैन स्टडी बाय योर सेल्फ ऑनलाइन. कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको बस पिक एंड चूज करना आना चाहिए. जब आपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ ली, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा ना, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स. अब आपको प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी चाहिए, द बेस्ट वे इज़ टू गिव कॉन्टेस्ट, क्योंकि जब आप कॉन्टेस्ट देते हो ना, आपके ऊपर सबसे बेनिफिशियल जो होता है आपके लिए, that you get habitual to handle pressure, you get habitual to do certain amount of questions in a particular time frame. क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपका कोडिंग राउंड होगा रियलिटी में, आपकी कंपनी के जब कोडिंग राउंड होंगे, उसमें आपको टाइम बाउंडेशन मिलेगी ना, कि आपको दो घंटे में आपको तीन क्वेश्चन करने, चार क्वेश्चन करने, पांच क्वेश्चन करने.
तो हमें अपनी प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करते रहना है। कॉन्टेस्ट आपको बहुत सारे देने हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने कॉन्टेस्ट दे सकते हो। हर प्लेटफॉर्म पे लगभग रोज आप कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं, जस्ट प्लीज गिव दोज कॉन्टेस्ट। ये रही आपकी सारी कोडिंग स्किल्स की बात। नाउ द अदर थिंग विच मोस्ट गाइज ओवरलुक इज दैट यू नीड टू हैव वन एक्स्ट्रा स्किल अगर आपको एक स्टार्टअप में जाना है, बिकॉज एक स्टार्टअप में आपकी टीम छोटी होती है, राइट? आपके पास हर चीज़ के लिए अलग अलग बंदा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ कोडिंग सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कोडिंग करके चला जाऊँ, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि स्टार्टअप्स रिक्वायर प्रोजेक्ट रेडी पर्सन। अगर आपको प्रोजेक्ट रेडी होना है तो आपको एक और स्किल सीखनी ही पड़ेगी। अब आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सपोज चूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई विल जस्ट स्टडी फ्रंट एंड और आई विल जस्ट स्टडी बैक एंड, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि स्टार्टअप्स में टीम्स छोटी होती है, सो दे रिक्वायर अ पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग। सपोज उन्होंने वेब डेवलपमेंट चाहिए तो दे विल प्रेफर फुल स्टैक डेवलपर रादर देन ओनली फ्रंट एंड और बैक एंड। इसलिए आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने सपोज उनको बोल दिया कि हाँ यार मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, मुझे फ्रंट एंड में HTML CSS आता है, मुझे बैक एंड में ये सब आता है और मैं ये सब कर लेता हूँ। बट उनको कैसे पता चलेगा दैट यू एक्चुअली नो दीज थिंग्स? इन सबको आपको जस्टिफाई करने के लिए एक प्रोजेक्ट की नीड होती है। जो भी आपकी एक्स्ट्रा स्किल है, चाहे आपकी ऐप डेवलपमेंट है, तो आपका ऐप बनाना चाहिए, आपका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट होना चाहिए, इट्स अ मस्ट। अब आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, यू नीड टू नो एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि हर कॉम्पोनेंट उस प्रोजेक्ट का चल कैसे रहा है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या यूज़ करा है, कैसे कैसे यूज़ करा है, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से। कोडिंग स्किल्स के साथ एक प्रोजेक्ट आप साथ साथ बना सकते हो, आराम से धीरे धीरे करते चलोगे, आपके 3 महीने 4 महीने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम लग के करो, 1 महीने में सारा कर दो, नो, जस्ट गिव देम 3 to 4 months। आप धीरे धीरे करके भी चलोगे, आपकी सारी चीज़ें आराम से कवर हो जाएंगी। और आपको ये स्किल चाहिए ही चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसमें आप हर चीज़ अपनी स्किल्स बता सको। This was the second point. Another thing that many people overlook or don't bother much is the aptitude part and the communication part. अगर आपको startups में जाना है ना, तो interview से पहले आपको सारे rounds clear करने पड़ेंगे, right? अब round में सबसे पहले आपका coding round आ गया, right? अब उसमें आपके सिर्फ coding problems आ रहे हैं। और भी rounds होते हैं जिसमें आपकी aptitude problems पूछी जाती हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एप्टीट्यूड के लिए भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ज़्यादा हार्ड एप्टीट्यूड नहीं आता है। इफ़ यू हैव डन इंजीनियरिंग, आपके पास 12th में भी मैथ्स थी, तो आप बहुत आराम से अपना एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। 10th तक तो मैथ्स सबके पास थी, राइट? तो उस आप बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, बहुत बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड आता है। बट येस, यू नीड टू रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि अगर जब आपका वो राउंड ही क्लियर नहीं होंगे एप्टीट्यूड वाले, तो आगे जाके क्या करोगे, राइट? अब बात आती है दूसरी, कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू तक तो पहुंच जाते हैं राउंड क्लियर करके, बट इंटरव्यू में दे लैक इन कम्युनिकेशन। अगर उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया है, उनको बहुत अच्छे से आंसर आता है, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वे देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स, वो अपनी बातें समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब मान लो आपने सोचा कि मैं सिर्फ इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलूँगा, और आप कभी बात नहीं करते हो, कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो एकदम इंटरव्यू में जाके ऑब्वियसली आप अटकोगे, आप ठीक से बता नहीं पाओगे चीज़। इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा भी आप रोज 15-20 मिनट भी आप थोड़ा सोच भी रहे हो ना कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है, तो ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप बेटर हो ही जाएंगी। इसलिए प्लीज़ ऑल्सो डू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपसे कोडिंग प्रॉब्लम भी पूछा, तो आप ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे सोच रहे हो, उनको सिर्फ कोड लिख के दे दोगे, नो, दे वांट यू टू कन्वे योर थॉट्स। वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि यार ये इस बंदे ने इस क्वेश्चन को कहाँ से सोचना स्टार्ट करा था। और अगर आप गलत भी सोच रहे होते हो ना, तो दे विल गाइड यू। इसलिए अपने थॉट्स को अच्छे से कन्वे करना आना ही चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू टिप्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। द फर्स्ट वन इज बी कंसिस्टेंट इनफ। अगर आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, इट इज़ नॉट ईजी। आप कोडिंग भी सीख रहे हो, DSA, आपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपने एक एक्स्ट्रा स्किल भी पजेस करा, आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, आप अपने एप्टीट्यूड पे भी वर्क कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जब कर रहे हो ना, देन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट।
अगर आपने कोई भी चीज़ थोड़े दिन के लिए, एक दो महीने के लिए आपने सोचा कि चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा रीस्टार्ट कर लूँगा, देन इट विल बी हार्ड. इसलिए बी कंसिस्टेंट इनफ, डू प्रैक्टिस अ लॉट. ये आपको आगे चल के बहुत मदद करने वाला है. द सेकेंड पॉइंट इज, प्लीज़ यूज़ पेन एंड पेपर. कि जब भी आपको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आपने कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा है, कोई आपने अच्छा कोडिंग सॉल्यूशन देखा, चाहे आपने अपने आप सॉल्व करा, चाहे आपसे नहीं हुआ, आपको पता चला यार यस ये बहुत अच्छा एल्गोरिदम है, यार ये बहुत अच्छी अप्रोच है, प्लीज़ राइट डाउन ऑन योर पेपर, प्लीज़ मेक नोट्स. क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन का टाइम आएगा ना, कि आप हर क्वेश्चन पे जाके रिवाइज तो नहीं कर सकते, राइट, कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करे थे, यार वो क्वेश्चन अच्छा था, आपको याद भी नहीं रहेगा. इसलिए जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे, आपको बहुत जल्दी से चीज़ें रिवाइज हो जाएगी. बिकॉज कि जब आप कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ के लिख लेते हो ना अपने आप, तो रिवीजन में आपको बहुत जल्दी से रिवाइज होता है. तो दिस वॉज सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज कि हम इन सब चीज़ों को करने के बीच में हम अपने कोर सब्जेक्ट्स पे उतना ध्यान नहीं देते, बट इन द इंटरव्यू दे डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट्स. इसलिए अपने कोर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देते रहना. इफ़ यू आर इन कॉलेज, अपने कोर सब्जेक्ट्स को सिर्फ यू नो डोंट स्टडी देम जस्ट टू पास द एग्जाम. जब आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे हो, आपको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, तो उनको एक बार डीप में ही पढ़ के ख़त्म कर दो. और अगर आप कॉलेज में नहीं भी हो, आपके वो सब्जेक्ट्स नहीं है, देन ऑल्सो यू नीड टू स्टडी डीप इन टू दोज कोर सब्जेक्ट्स, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं. तो अपने कोर सब्जेक्ट्स पर भी आपको ध्यान जरूर देना है. दिस इज पॉइंट नंबर 3. द पॉइंट नंबर 4 इज कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, आपने ट्राई टू डिप्लॉय दैट प्रोजेक्ट. अपने प्रोजेक्ट को लाइव करो. क्योंकि जब अगर आप इंटरव्यूअर को बताओगे ना कि दैट यू हैव डिप्लॉयड योर प्रोजेक्ट, दे विल बी वेरी हैप्पी. क्योंकि जब आपने कोई चीज़ डिप्लॉय कर दी है, देन दे नो दैट यू रियली डिड वर्क हार्ड. आपने बहुत सारे एज केसेस को भी हैंडल करा है, आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी होंगी उसे डिप्लॉय करने में, आपने वो सब भी चीज़ें फेस करके आए हो, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. इसलिए ट्राई टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, इट विल बी वेरी गुड. सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आपको अपनी कोडिंग स्किल्स बेटर करनी है, आपको अपनी एक्स्ट्रा स्किल पजेस करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अब जो आपकी अपने आप बेटर होती चली जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, एप्टीट्यूड पे भी लास्ट में थोड़ा सा ध्यान दे देना है. और सबसे लास्ट में, जब आपके पास आपका इंटरव्यू आने वाला है या कोडिंग राउंड्स आने वाले हैं, देन डू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी. कि वो कंपनी प्रीवियस राउंड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन ने पूछे हैं, ये किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो किन टॉपिक से यू नो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. इनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है. यू नीड टू कवर एवरीथिंग, बट लास्ट में आप थोड़े स्पेसिफिक होकर तैयारी भी कर सकते हो. इसलिए यू डू रीड अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, डू सर्च अबाउट व्हाट आर द क्वेश्चन दे आस्क इन कोडिंग राउंड्स, तो वो भी आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा. दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन. इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई होप दिस वीडियो यू नो सम हाउ हेल्प यू इन योर जर्नी. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कोडिंग निंजाज़ यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.